हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही जंगलों में आग से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। जहां जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार ने विधानसभा परिसर से 2 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 का शुभारंभ किया, वहीं ये वाहन 2 सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वनों को आग से बचाने के लिए हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरह से इस विषय को लेकर के जागरूकता का विषय था लोगों तक पहुंचाने का कि अगर वनों में आग लगेगी या वनों में आग लगाएंगे उससे प्रकृति तो नष्ट होगी होगी, लेकिन और भी बहुत सारी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। उन सारी चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ठीक समय पर पहुंचाएं, और ऐसे भी हम आज के इस दौर में ऐसे देख रहे हैं कि इस बार इसकी ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि बारिश हुई नहीं, बर्फ पड़ी नहीं, और सूखा हमारा जो है वो फरवरी के मास से जनवरी के मास से ही हमको देखने को मिल रहा है। तो इस दृष्टि से पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 दिन का एक स्पेशल कैंपेन जो है अवेयरनेस की जागरूकता की दृष्टि से इन विभाग ने प्लान किया है, और उसमें जो ये जो वाहन आज हमने यहाँ से शुरू किए, इस वाहन के माध्यम से ये जाकर के जो है पूरे प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर जाकर के जो है जागरूकता का कार्यक्रम करेंगे, संदेश देंगे कि आग खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, घने जंगल हैं, तो वहाँ के लोगों को इस तरह से अवेयरनेस की दृष्टि से ये कार्यक्रम है। और मुझे इस बात भी खुशी है कि भाई इसमें इनने अवेयरनेस के लिए जो है वो इस प्रकार से वो दल जो बना करके जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से और नाटक के माध्यम से जागरूकता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।